पागल है, पागल है तुम का बताए बिटेवा, जितना दे रहा हो उतना का खवा पिया तैयार कहन है। हमने पैसा दिया है ना, अतनी जल्दी तुम? हाँ बातचीत तो है ही है कि भैया एक माचिस दे दो। तुम तो साले ऐसे हो कि शराब पीते हो माचिस बीड़ी रखते नहीं हो। राखित का तुम्हारे साथी आ जाते, उन्होंने खाई पी तो उन्होंने नोची थे, बाकी भैया का चलो जो आएगा तो यहाँ पर जो आएगा इंसान ऐसा स्थान है कि वो किसी लालच में देगा। मंजन को कह भैया ऊपर है थूको इधर है मंजन करके ना है का बोरिस करा थे का बोरिस बात में को कहेगा बोरिस। हाँ हाँ वहाँ करा था हम करा के हम नीचे। चलो ऐसा करो अमुनी भाई को समझाओ हमको उससे मिला दे। तेरे परेशान ना हो अभी मिलवाएंगे। तुम चले भैया हट जाओ। इका थर एक मिलायो ना ना बिटेवा के रिवसाला खराबी कह दी हो बिटे उन्हें न मिलायो चाहे तुम मर जायो। देखो जा हमार मेहरबा भैया की दर्द हम सही ले अब। लेकिन वह बिटेवा भैया दूसरे पाल वह रंडी नहीं बना उनका पढ़ा लिखा तैयार करन है वह इंटर फाइनल है दो तीन जगह कोचिंग करा है रहनो की हम। हाँ तब जाग तैयार भाई आयुशाला भेड़ा वह बतावत है कि वह बिटेवा अब हम का लाओ इनका न दे तू सखरे ना कहा चाह जाता तू सखरे ना। देखिए ठाकुर साहब। हाँ बोलो। आपने कहा था इसके पैरों में घुंघरू बांधना पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया समाज में जीने का एक सहारा दिया और मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसलिए ठाकुर साहब मैं आपको उसके पास नहीं जाने दूंगी। औकात में तो साली हो तुम। आज तक तुम अपनी जवानी हमारे ऊपर लुटाती रही लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मैंने किस लिए इस लड़की को तुम्हें दिया था कि जब ये जवान हो जाएगी तो इसकी जवानी से हम खेलेंगे। चल उसको बुला। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बुला साली उसको। नहीं। मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। नहीं बुलाएगी तो अंदर जाऊंगा। अंदर जाऊंगा नहीं तो जाने नहीं देगी। जाने नहीं देगी। बेटी मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ बेटी। नहीं माँ ऐसा मत कहिए। नहीं बेटी मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। ठाकुर जालिम सिंह तुम्हें लेके आया था और मेरे हाथों में देके उसने बोला था कि इसके पैरों में घुघरू बांधना और जब यह जवान हो जाएगी तब मैं इसको अपनी महारानी बनाऊंगा। मैं बेटी नहीं जाने दूंगी। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। नहीं बेटी अब मुझे जाने का वक्त हो गया बेटी। और ये झुके झुके नहीं लट्टी बल खा के यदि क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। मेरी माँ को मार के ये तुमने क्या क्या जालिम सिंह। अगर निपटाना था तो मुझसे आके पूछता। अच्छा तूने मेरी माँ को मार दिया। मैं वो साली तेरे पास जाने से इनकार कर दिया था इसी से मैंने उसे चांद से मार दिया। चांद अब तुम मेरी है या चांद मेरी रहेगी दूसरे की होके नहीं रहेगी। जालिम सिंह ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। मैं तुम्हारी कभी ना थी ना कभी होंगी। मैं कभी नहीं थी लेकिन आज मेरी होके रहेगी।
जवानी है तू सदिए जंगल में। आइए ले चलते हैं उधर, पुलिस इंस्पेक्टर सूरज माखन का पीछा करता है और देखिए फिर क्या होता है सीन आपके समक्ष। माय गॉड, मैंने सुना है कि माखन सिंह एक डाकू में मिलकर डाकू बन गया है, लेकिन गंगा की डाकू में शरण में जाकर वो हमारे हाथों से नहीं बचकाएगा और गंगा के उसके बाप को माखन सिंह सोचा इतना बड़ा खोखा डाकू हो क्यों ना हो, लेकिन इस पर सूरज सिंह का पीछा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा सवाल का खून मैंने किया है। हाँ, हो सकता पुलिस पीछा कर सकते है। हाँ, चलो निकल सकते हैं उस पहाड़ी को उस पार निकल सकते हैं। अब भी कहता हूँ माखन और ठहर जाइए, मेरे हाथों से बच कर न जा पाओगे, मौत तेरी तेरा पीछा है कर रही, बस है चाहिए।
एक डाकू के मैंने पैर पर गोली मारा है, एक मरा साला गिरोह पूरा समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा है, देखता हूँ ये कहाँ बचकर जाएंगे हमारे जान से, और खींच लाऊंगा उन्हें आकाश। इधर माखन के पैर में गोली लग जाती है। लंगड़ाता हुआ माखन बियाबान जंगल की ओर भागता है और वहीं पहुंचता है जहां दुर्गा झोपड़ी बना करके रहती है। सीन आपके समझ। काफी दिन हो गए छिद्र के बाके मंदिर के पीछे झोपड़ी काट के मैं रहती हूँ, और भाई सुबह उठने के भैया से पुकार करती हूँ, जी अपना पेट पालती हूँ। चलो अब तो सुबह का वक्त है, चलो आज भाई लोगों से अपने फरियाद सुनाए, अपने पेट का सहारा बनाए, चलती हूँ। मैं आपको लूटने के लिए नहीं, मैं शरण चाहता हूँ। पुलिस मेरे पीछे लगी है, मैं शरण चाहता हूँ, मुझे शरण दो, नहीं तो पुलिस के हाथों मारा जाऊंगा। मुझे शरण दो बूढ़ी माँ, मुझे शरण दो। आज बरसों के बाद आज माँ की आवाज आई, आज अपने मुख से माँ कह दिया, जा बेटा किसी झोपड़ी में छुप जा मेरे बच्चे। पुलिस यहाँ पर आ भी जाती है तो मेरे बारे में मेरा पता नहीं बताना, यहाँ पर कोई मुसाफिर नहीं बताऊंगी बेटी, छुप जा मेरे बच्चे। ये भी मुसीबत का मारा है, थर की गोली दिए, छुप जा बेटा, छुप जा। यहाँ तक तो निशान बने हुए हैं, क्या है सर, क्या पूछ रहे थे भैया? खून चूता के बाद तुम्हें साले बोलो कि तुम क्यों ऐसी बात में कहते हो, चूता हुआ है, खून टपकता हुआ यहाँ लगाया है। अगर जी यहाँ नहीं आया है माखन सिंह तो कहाँ का आया है? बुढ़ी सच बता दे, क्या माखन इधर को आया है? कोई मुसाफिर इधर को आया है? नहीं साहब, यहाँ तो सुबह का वक्त है, मैं एक रोटी के लिए भाई लोगों से फरियाद सुनाने जा रही थी। अच्छा, इस समय जब से मैं आई है यहाँ कोई नहीं आया है, यहाँ पर कोई नहीं आया है। चौकीदार, ये तो बुढ़ी ऐसे बता रही है यहाँ पर कोई नहीं आया हुआ है, ताकि सारा सबूत यहाँ तक लगाया हुआ है। क्या बुढ़ी, तुम अच्छी तरह से सोच लो, अगर जो तुमने सच नहीं बताया तो लेडीज पुलिस आएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? इधर इधर बढ़ा के बढ़ा, सारी बुढ़ापा तेरा सही हो जाएगा। ये बताओ जब अंदर गया नहीं तो खून कहाँ से आया? अरे साला तुमको पूछने की तमीज रही, साला बता रहे थे अंदर गवाह ने, तो खून कहाँ से आया है? तो साले ऐसे नहीं बोल सकते, पागल कहिए, चला पीछे। अबे 70 बुढ़वा ला करके तुमसे सखराऊंगा, यही नींदू। एक से एक चच्चा बैठे हैं। अरे पागल कह के, इसके लिए 70 बुढ़वा ला कर ये सब सक लेंगे? साले का दिमाग खराब हो गया बूढ़ा। तुम सच बताओ कि यहाँ पर कोई डाकू आया है कि नहीं आया हुआ है? नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, इस वक्त में मैंने सोचा। क्यों रे, इसको परेशान कर रहे हो? फिर वही बात, साला खून चूता हुआ है, टपकता हुआ आया है। तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ पर कोई नहीं आया है? नहीं साहब, सोच लो, मैं तो आ तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर इसका कोई सबूत तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो तुम्हारा भी बुढ़ापा सफल हो जाएगा। खून कहाँ
ये खून साले कहीं से आ गया होगा। मैं सब्जी काट रही थी, मेरी उंगली कट गई। अरे फिर भाई बात साला बता रहा अंदर गवा तब है खून आवा। बोला सोच लो अब की बार जो आऊंगा तुमने सच नहीं पता बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सच कह रही हूँ साहब, सच कह रही हूँ। यहाँ पर कोई नहीं आया है? कोई नहीं साहब आया। यार हो सकता है बुढ़ी से धोखा हो गया हो, यहाँ पर कोई नहीं आया, तभी तो ये बेचारी सच बोल रही, इसकी आत्मा बता रही है। नहीं साहब चलो यहाँ से चलते हैं, कल इसका आकर पता हम लगाएंगे। दोबारा ना पड़ा तुम्हारा हाल बिगाड़े। कैसे कैसे में वाले सुने क्या हो जाता, क्या बताऊं मैं। आज तुमने बहुत बड़ा मेरे साथ में उपकार किया है, मेरे जीवन को बचा करके नया जीवन दान दिया है बेटा। लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, तुम्हारे आंख में आंसू और फटे वस्त्र और तुम्हारे चेहरे पर झुर्रिया। तुम्हारे कोई बेटा नहीं है या बेटी नहीं है। मेरी माँ बहाती जो आंखों से धारा, मेरी माँ बहाती जो आंखों से धारा, नहीं तेरे क्या है तो आप ही जैसा होता। क्या तुम्हारा बेटा मेरे जैसा होता? हाँ बेटा, क्या करूं? ऐसा क्यों? बरसों से मैं भटक रही हूँ, मेरा बेटा अब कहाँ है? मेरा बेटा, मेरी ये कहानी आप क्या करो जान करके, बेटा तुम क्या करोगे? जा मेरे बच्चे, तेरी ही माँ आता देखती होगी। जा मेरे बच्चे, मुझ पे जो गुजर रही है वो तुम क्या जानकर करोगे बेटा? नहीं बूढ़ी माँ, आज आपने मुझे बचा करके मेरा जीवन जानना चाहते हो बेटा? तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो गौर से मेरे बच्चे, सुन बेटा, सुनो मेरे बेटा, सुनाती कहानी। आज से जरूर बतलाऊंगी बेटा, मैं ऐसी औरत नहीं थी, एक नेक इंसान की औरत थी जो आज इस हालत में है। हमारे स्वामी इंस्पेक्टर थे। क्या? हाँ इंस्पेक्टर थे। हाँ मैं राजकरण वर्मा इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ बेटा। भगवान ने एक साथ में तो ही औलाद दिया, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन जालिम सिंह यहाँ जीना दुश्मन कर दिया है। कच्ची दार शराब की भट्टी चलाता है, साहब मैं इनकार गए, वहां बगावत हो रहे थे, मेरे साहब को गोली मार दिया। क्या? मेरे इंस्पेक्टर को गोली मार दिया, मेरे जो गोल बच्चे थे उनको छीन लिया। वो बच्चे कहाँ होंगे? अगर वो बच्चे दुनिया में जीवित है तो मैं उन्हें तलाश कर तुम्हें दूंगा। अब वो बच्चे मुझे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? न जाने जालिम सिंह ने बच्चों को मरवा दिया है कि क्या किया है, क्या निशान है उन बच्चों के? मेरे बेटे के
पैर में तिल का निशान है, क्या वो निशान कहाँ देखने को मिलेगी? बेटे के पैर में तिल का निशान है। हाँ बेटा, अब कहाँ है वो औलाद, कहाँ निशान? जो मैं एक बार देख लूं अपने बेटे को, मेरी मेरे बाप ने बताया था कि बेटा तू मेरी सगी संतान नहीं है, जो भी तेरे इस दिल को पहचान सकेगा वही तेरा माता पिता होगा। माँ बेटा, मैं ही तुम्हारी संतान हूँ, मैं ही आपका बेटा हूँ। क्या मेरे दाहिने पैर में तिल का निशान है? मेरे बच्चे आप ही हो, सच आज बच्चे बेटा आ जाए एक बार गले से लग जा बेटा। हम और आपको मिटा देगा। मैं शाम को आऊंगा, सुबह चला जाया करूंगा। आज के बाद किसी के सामने अपना दामन नहीं फैलाओगी अपने पेट भरने के लिए। मैं कल फिर आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं किसी से नहीं कहूंगी। ये आगे हमारे राजेंद्र भैया लोधी यही के निवासी, ये 50 रुपए से व्यवहार कर रहे हैं पार्टी तरफ से। लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। कहीं नहीं जाऊंगी। माजी मुझे बताइए, माजी माजी फिर मैं काट कर अच्छा भगवान, आज मैं क्या देख रही हूं? जिस बचपन में निशान था वहां निशान में देख रही हूँ। ये तो लग रहा है ये मेरी ही संतान है, मेरी बच्ची है। क्या कहूँ माँ, क्या सोच रही हो? हाँ मुझे बता दीजिए बेटी, मेरे पीछे जालिम सिंह पड़ा हुआ है। अब तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरी ही औलाद है, मेरी बेटी है। आप बच्ची से तो कहीं नहीं जाएगी, इसी झोपड़ी में रहेगी। कामा मैंने सुना था मेरे एक भाई है, लेकिन मेरे भैया कहाँ है? वो आपको जरूर मिलेंगे, सबर रखो बेटी, आओ तुम्हारा भाई आएगा। माँ मेरा भाई आएगा तो मुलाकात जरूर कराना। ठीक है माँ। ये हमारे भाई साहब वो सामने बैठे हैं, ये 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार हमारे लिए भेजा। नहीं यू कहने की ना तो लिखा दे ना कोई के दे, तुम्हारे लिए उधर भैया हैं लिखे पकड़े ना तक बात कम करना चाहता नहीं करे। अबे बता दो यार। हाँ हाँ कहना है और खेल जो तनको छूटा तो कुआड़ा हमार चली। माँ ये लड़की कौन है? बेटा बा तुमने लड़की कह दिया, ये तेरी बदकल की खोई हुई अमानत तेरी है। इस कलाई को सजाने वाली तेरी ये बहन है। क्या बहन है तुम्हारे बेटा? हाय हर बहन है। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी मिल गई, मेरी माँ भी मिल गई और मेरा भैया मिल गया। भैया मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, पर बहुत दिन के बाद मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधने जाऊंगी हूँ। बहुत दिन के बाद, बहुत दिनों तक तुम्हारा हाथ सुना रहा भैया। ओ देखो नाता निभाना निभाना भैया मेरे, अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये दिन है
निभाना। आइएगा अब ये परिवार, ये बहन भाई दोनों मिले हैं, लेकिन इस बात से बेचारे अनजान थे। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग देखते हैं डोली और जनाजा उर्फ डाकू